आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास जॉय ई बाइक के दोनों आरटीओ मॉडल यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे राइटिंग साइड में खड़ा है वॉल प्लस और यहाँ पे खड़ा है जेन नेक्स नानो प्लस। दोनों आरटीओ मॉडल है और दोनों में आपको सब्सिडी मिलने वाली है और दोनों की जो प्राइसिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि जब दोनों में सेम फीचर्स है तो अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर जॉय के आप लवर हैं तो आप ये जो नया आए हैं आरटीओ वाले मॉडल जो कि वॉल प्लस जो कि एक आईओटी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर दोनों के बारे में लेने के बारे में सोच रहे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि आप वॉल प्लस लें या आप जेन नेक्स नानो प्लस लें। तो आइए आज मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि अगर आप जॉय इलेक्ट्रिक बाइक में अगर वॉल प्लस और जेन नेक्स नानो लेने में थोड़ा कन्फ्यूज है तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा मैं आज दूर करने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ दोनों में जो मोटर आपको जो कंपनी दे रही है, दोनों में आपको 1500 वाट की मोटर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। दोनों में आपको जो बैटरी मिलने वाली है, बैटरी आपको सेम मिलने वाली है 60 वाट और आपको यहाँ पे जो बैटरी मिलने वाली है 36H की बैटरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोनों के अंदर आपको सेम अंडर सीट स्टोरेज मिलने वाला है। मैं आपको दोनों का सीट स्टोरेज बता देता हूँ। मैंने यहाँ से ओपन की जो आपको सीट ओपन करना है वो आपको यहीं से ओपन करना है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी वॉल प्लस की सीट यहाँ पे ओपन हो जाती है। देखेंगे आप, ये वॉल प्लस का अंडर सीट स्टोरेज है। लगभग यहाँ पे जो सीट स्टोरेज है दोनों में बराबर मिलने वाला है। जो आपकी बैटरी रिमूव होना है वो भी इजी गोइंग होना है। ये आपका मैंने जो बैटरी का जो कवर है इजी खोला है और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी, बैटरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगी रहती है तो आप इसको इजी गोइंग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। बैटरी भी आपकी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, काफी बड़ी बैटरी है 60 वॉट और 36H की आपको बैटरी यहाँ पे मिल जाती है। अब वापस से मैं इसको यहाँ पे उसको बंद कर देता हूँ और ये काफी इजी है बंद करना। दोनों बैटरी आपकी डिटेचेबल है, रिमूवेबल है। अब यहाँ पे जो आपका है जेन नेक्स नानो प्लस, इसमें भी सेम है, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, आपको दोनों बैटरी यहाँ पे रिमूवेबल है, दोनों में से आपको अंडर स्टोरेज मिल जाता है। बट जेन नेक्स नानो में आपको नेक्स्ट जेन नानो में जो सीट ओपन होती है उसकी की आपको यहाँ पे लगाना पड़ती है और आपकी सीट इस तरह से ओपन हो जाती है। ये एक डिफरेंस है और जनरली आपकी सीट उसमें वहीं से ओपन हो जाती है, हैंडल लॉक तो आपका यहीं से होगा। दोनों में आपको सिक्योरिटी के फंक्शन वही मिलने वाले हैं, स्पीडोमीटर वही मिलने वाले हैं और जो आपके स्विचिंग आने वाले हैं लगभग स्विचिंग बिल्कुल दोनों के सेम आने वाले हैं। अब आप थोड़ी सी जगह का देखते हैं, अगर आप ये वॉल प्लस लेते हैं थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। अगर आप देखेंगे उसका फ्लोर बोर्ड, थोड़ी सी आपको जगह यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं जेन नेक्स नानो प्लस में थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पर कम मिलती है, थोड़ा सा ये स्लिक मॉडल है, थोड़ा सा वो वाइडर मॉडल है। बट अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट की, तो अगर मैं बैठता हूँ वॉल प्लस पे तो यार इसकी सीट हाइट 730 है, यानी कि ये उसके मुकाबले थोड़ा सा सीट हाइट में छोटा है। हैंडलिंग वेंडलिंग सब कुछ कंफर्टेबल है, बाकी ये थोड़ा सा छोटा है, 730 इसकी सीट हाइट है। अगर मैं बात करूँ आपकी जेन नेक्स नानो की तो यहाँ पे जो सीट हाइट है वो 740 है। मतलब यहाँ पे जो आपको लेग का जो स्पेस मिलता है, अगर मैंने पैर यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कम ऊपर आता है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, वो आपको डिफरेंस बताता है क्योंकि सीट हाइट थोड़ी सी यहाँ पे 730 कर दी। देखिए इस तरह से, ये सर अब आपको पैर में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। अगर आपकी थोड़ी सी हाइट कम है तो आप ये वॉल प्लस ले सकते हैं और आप थोड़े से हाइटेड हैं तो आप ये यहाँ पे आपका जेन नेक्स नानो प्लस आप ले सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 185 यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है और 185 यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, यानी कि जो नीचे की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आने वाला है दोनों का सेम आने वाला है। बट अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी जो आएगी इसकी लेंथ वो आपको 1800 mm आने वाली है, बट वॉल प्लस की जो लेंथ आने वाली है 1830 mm इसकी आने वाली है। अब मैं चौड़ाई की बात करता हूं तो आपका जो जेन नेक्स नानो है ये 690 mm की चौड़ाई आती है। जैसे मैं आपको यहां से लाकर दिखाता हूं आपको कुछ समझ में इस तरह से आएगा, मैं यहां से घुमा देता हूं आपको। अगर आप इस एंगल से देखते हैं तो यहां पे 690 इसकी विड्थ आती है। अगर मैं बात करूं वॉल प्लस की विड्थ की तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है जेन नेक्स नानो से, इसकी जो आती है 720 के आसपास इसकी विड्थ आती है। अगर मैं ओवरऑल हाइट की बात करूँ 40 mm में इसकी हाइट होना, यानी कि आपका जो जेन नेक्स नानो है थोड़ा सा हाइटेड है, थोड़ा सा कम हाइटेड है, यानी कि ये आप बात करूँ इसकी mm में तो 1115 इसकी हाइट आने वाली। थोड़ा सा अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपका छोटा है। व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस में आपका जो वॉल प्लस है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। अब व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ 1290 mm में इसका व्हील बेस आता है और यहाँ पे 1315 इसका व्हील बेस आता है,
यानी कि लेंथ की बात करूं तो वॉल प्लस थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ में ज्यादा आता है, मतलब कहीं पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा शॉर्ट है, कहीं पे ये बड़ा है, तो थोड़ा सा मिक्स वाला एरिया है। बट अगर आप थोड़े से हाइटेड हैं तो आपको ये जो जेन नेक्स नानो लेना अच्छी बात होगी, क्योंकि सीट हाइट 740 mm है, तो मैन सीट हाइट से होता है, 740 की सीट हाइट है और वहां पे 730 जो हाइट है, 10 mm का यहाँ पे सीट हाइट में फर्क पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा छोटा लगता है। बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का बराबर है, पर फ्लोर बोर्ड सीट हाइट से, यानी कि सीट हाइट यहाँ पे 10 mm का फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे आपके पैर थोड़े से ऊंचे यहाँ पे लगते हैं, मुझे ऐसा लगा चलाने में, वो आप भी जब इसका टेस्ट राइड लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। और अगर बात करूँ मैं इसकी टर्निंग रेडियस की, तो 1.6 mm में दोनों के टर्निंग रेडियस सेम है, व्हील बेस फिर भी थोड़ा सा 19-20 भी दोनों का टर्निंग रेडियस बिल्कुल सेम आता है, टॉप स्पीड दोनों की सेम आती है, यानी कि 55 तक ये जाता है, 55 तक ये जाता है, डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफॉल्ट की बात करूँ तो ये मैंने पास की टेस्ट राइड ली थी तो 63 तक जा रहा था और ये आपका 57 तक जा रहा था, मतलब वो डिफॉल्ट कुछ भी होता है, पर कंपनी इसकी टॉप स्पीड 55 ही बताती है। अब रेंज की बात करूँ तो इकोनॉमिक मोड में दोनों 100 पे जाती है। अब मैं जब इसकी रेंज टेस्ट करूंगा तो आपको मैं फाइनली बता पाऊंगा कि इसकी रेंज यहाँ पे क्या होने वाली है। प्राइसिंग में दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मतलब प्राइसिंग की बात करूँ तो हमारे शहर में जो इसकी नई ब्रांच खुली है ओचली चौराहे पे, नए बीजेपी कार्यालय के सामने जो किशन जी है उनकी एक नई ब्रांच खुली है, वहां पे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,20,000, 1,20,000 रुपए का आपको वोल प्लस पड़ता है ऑन रोड, और 1,15,000 में आपको जेन नेक्स नानू प्लस पड़ने वाला है। सब्सिडी 10-12 हज़ार रुपये जो भी है आपके अकाउंट में आ जाएगी, सब्सिडी इसमें इनबिल्ड है, सब्सिडी इसमें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है आपका गुजरात वडोदरा का मैन्युफैक्चरर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मजबूती वगैरह सब कुछ अच्छी है, मैंने इसे चला के देखा है, आप भी इसकी टेस्ट राइड लेके चेक कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चला सकते हैं, बाकी में सस्पेंशन वगैरह सब कुछ कंपनी इसको अच्छा बनाया है, तो मजबूती की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको मैंने सारे इसके फीचर्स अगर आपको देखना हो तो दोनों के मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं, दोनों की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बस एक रेंज टेस्ट का वीडियो मेरा बचा है। अगर मैं वोल प्लस की रेंज टेस्ट कर लेता हूँ तो दोनों की रेंज बिल्कुल सेम आने वाली है। कंपनी इसकी 100 किलोमीटर इकोनॉमिक रेंज बताती है, पर मेरे ख्याल से ये बैटरी के हिसाब से 110 किलोमीटर तो ये यहाँ पे चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में इसकी ओवरऑल लुक की, तो अब अगर हम देखते हैं वोल प्लस, तो जो वोल आता है इसका नॉन आरटीओ वाला मॉडल, उससे वोल प्लस थोड़ा सा अपडेट करा गया है, मुझे थोड़ा सामने से अलग मुझे नजर आती है, यहाँ पे जो इंडिकेटर है थोड़े अलग, ये जो वोल फ्लॉप है वोल प्लस जॉय का है, थोड़ा सा अगर बैठता हूँ तो मेरी राइडिंग आपको कुछ तरह से लुकिंग दिखती है, अगर मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ बस थोड़ा सा 10 mm का यहाँ पे सीट हाइट का फर्क है, बाकी दोनों में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, बट थोड़ा सा ये स्लिक है, यहाँ पे जिसका प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा नेरो है और थोड़ा सा इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा यहाँ से बड़ा है। अगर आप मैं थोड़ा इस तरह से दिखाता हूँ आपको प्लेटफॉर्म दोनों को, यहाँ से अगर देखेंगे दोनों का प्लेटफॉर्म तो आपको कुछ यहाँ से लग रहा होगा, ये देखिए यहाँ से इसका ये प्लेटफॉर्म और यहाँ से इसका प्लेटफॉर्म, और दोनों की लुकिंग आप पीछे से देखेंगे तो आपको कुछ लुकिंग इस तरह समझ में आएगी। पीछे से इसकी लुकिंग थोड़ी सी बहुत ही अच्छी कर दी इसमें, यहाँ लगता ही नहीं कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर है, हाँ पर यहाँ पे जो बैकरेस्ट कंपनी लगा दिया गया है उससे थोड़ा सा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये रिमूव वाला आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, बट आपको लग रहा होगा दोनों के सस्पेंशन में आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, सस्पेंशन दोनों के सेम है, दोनों में डिस्क ब्रेक है, दोनों में टायर साइज बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा इसमें हाइट और विड्थ का थोड़ा सा फर्क है, दोनों में आगे थोड़ी सी जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी यहाँ पे भी आगे जगह यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, बाकी एज इट इज़ है। सीट ओपन करने का यहीं से आता है वोल प्लस में, मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसकी सीट ओपन करने के लिए चाबी यहाँ पे आपको लगाना पड़ती है, एक बार आप मैं इसको पूरा लुक पे एक बार दिखा देता हूँ। दोनों की प्राइसिंग में 5,000 रुपये का फर्क है हमारे शहर में, अलग अलग शहर में इसकी अलग अलग प्राइस यहाँ पे हो सकती है। अगर बात करूँ कलर की तो तीनों आपको 3 कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, पर यहाँ पे आपको तीनों जो कलर मिलते हैं वो डार्क मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2 कलर डार्क मिलते हैं और 1 कलर आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। अगर आपको व्हाइट कलर लेना है, व्हाइट आपका फेवरेट है, तो आपको जेन नेक्स नानो प्लस ही लेना पड़ेंगे। दोनों को मैंने चला के देखा है तो फाइनली जो मैं पहुंचा हूँ, दोनों का पिकअप बिल्कुल सेम है, दोनों चलाने में बिल्कुल सेम तो है, बट थोड़ा सा मुझे जिप्पी राइड लगा, मतलब शहर के हिसाब से थोड़ा सा ये वाइडर है और थोड़ा सा मुझे लगा जिप्पी राइड है, मतलब कटिंग वटिंग करने में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ईजी है। बाकी दोनों का वजन सेम है, 85 kg इसका भी है, 85 kg इसका भी वजन है, दोनों की पेलोड क्षमता सेम है, 150 किलो पेलोड क्षमता इसकी है, 150 किलो पेलोड क्षमता इसकी, दोनों का चार्जिंग टाइम भी बिल्कुल लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा डायमेंशन का दोनों में फर्क है।
तो ये आपको मैंने जॉय ई बाइक के वॉल प्लस और जेन नेक्स नानो प्लस, यानी कि दोनों आरटीओ मॉडल है, दोनों की रेंज 100 प्लस है, दोनों में आपको मैंने डिफरेंस करके बताया कि दोनों को लेने के बारे में कंफ्यूजन है तो दोनों को आप किस तरह से आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर सकते हैं। अगर आप चित्तौड़ शहर के आसपास से हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नया हमारी जो ब्रांच है ओचड़ी में, जो नया बीजेपी कार्यालय खुला है उसके सामने इसकी ब्रांच है, और आप कहीं बाहर से हैं तो आप इसकी जो गूगल पे सर्च करके जॉय ई बाइक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढ कर या मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, अपने नियरेस्ट शोरूम का पता करके। वैसे जॉय के शोरूम तो लगभग आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे इसके शोरूम मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक तो कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह से इलेक्ट्रिक वीडियो और नए नए एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त राकेश, तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।